एक्टर सतीश कौशिक की डेथ को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है सतीश कौशिक की डेथ हार्ट अटैक के कारण नहीं बल्कि सतीश कौशिक का मर्डर किया गया है जी हाँ ये दावा किया है एक लेडी ने जो आज दिल्ली पुलिस स्टेशन में पहुंची और वहां पर इस लेडी ने अपना बयान दर्ज किया है ये लेडी उसी बिजनेसमैन की वाइफ है जिस बिजनेसमैन के फार्म हाउस पर दिल्ली में सतीश कौशिक रुके हुए थे और जहां पर सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ी थी जी हाँ इस लेडी ने आज पुलिस को बताया कि सतीश कौशिक को उनके पति ने मारा है क्योंकि सतीश कौशिक ने उनके पति को पंद्रह करोड़ रुपए उधारी के दिए थे और वो पैसा उनके पति लौटा नहीं पा रहे थे इसीलिए पति ने सतीश कौशिक को ही खत्म कर दिया है इस लेडी का कहना है कि इसका जो पति है वो ड्रग्स का भी धंधा करता है और पति ने ड्रग्स देकर ही सतीश कौशिक को मारा है महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि सतीश कौशिक एक बार हमारे दुबई वाले घर में आए थे मैं ड्राइंग रूम में मौजूद थी जहां पर सतीश कौशिक और मेरे पति दोनों के बीच पन्द्रह करोड़ रुपए को लेकर बहस हो गई कौशिक कह रहे थे कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है और उन्हें अपने पन्द्रह करोड़ रुपए वापस चाहिए सतीश कौशिक ने यह भी कहा कि पन्द्रह करोड़ रुपए मैंने तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे लेकिन तुमने ना तो पैसा इन्वेस्ट और ना ही मेरा पैसा लौटाया मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ इस लेडी ने पुलिस को एक फोटो भी दी है जिसमे सतीश कौशिक और इस लेडी का हसबेंड भी है दुबई में ये एक पार्टी में गए थे और उस पार्टी में दाऊद इब्राहिम का बेटा भी मौजूद था शिकायत में लेडी ने ये भी कहा कि उसका पति कई तरह के ड्रग्स का कारोबार करता है और मेरे पति ने सतीश कौशिक से वादा किया था कि वो पैसा जल्द ही लौटा देगा लेकिन कोरोना के दौरान पैसों की सख्त जरूरत हुई और पति ने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जिसके बाद पति के पास सतीश कौशिक को देने के लिए पंद्रह करोड़ नहीं थे तो मेरे पति ने सतीश कौशिक से छुटकारा पाने के लिए ही उसके खिलाफ इतने समय से प्लानिंग की और फाइनली साजिश के तहत सतीश कौशिक को मारा गया है इस लेडी की बात पर विश्वास इसलिए भी होता है क्योंकि इसने तारीख दी है इसने जगह बताई है और इसने फोटो सहित सबूत भी पेश किया है लेडी ने कहा कि 24 अगस्त 2022 को सतीश कौशिक और उनके हस्बैंड की तीखी नोकझोंक हुई थी लेडी ने कहा कि मेरे पति और सतीश कौशिक के बीच किसी चीज को लेकर अग्रीमेंट भी साइन हुआ था और अब अचानक मैंने सतीश कौशिक के डेथ की खबर सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पुलिस को बताना चाहिए इसीलिए मैंने पुलिस को ये बताया है तो ये बेहद चौंका देने वाला खुलासा हुआ है सतीश कौशिक की डेथ में हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है